आज हम बहुत ही चटपटी, बहुत ही स्वादिष्ट ग्वार की फली की रेसिपी लेकर आए हैं। आज इसे हम कुछ नए तरीके से बनाएंगे जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने लिया ग्वार की फली और ये ग्राम के हिसाब से 350 ग्राम है। पहले तो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। देखिए इसको क्या करना है, देखिए कच्ची कच्ची फली है। कच्ची कच्ची फली की पहचान क्या होती है, इसमें से ना तार नहीं निकलती, जो पक्की होगी उसमें तार निकलेगी। और इसके हम दो भाग इसी ढंग से करके साथ साथ में रखते जाएंगे। ज्यादा बड़ी फली है तो बेशक आप चाकू से काट लें। सारी फलियों को हमने तोड़कर तैयार कर लिया है और चेक भी कर लिया है, इसमें कोई धागा तो नहीं है। अब हमने कुक कर लिए हैं, सारी फलियों को इसमें डाल देते हैं। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 ग्लास के करीब पानी और हमने इसको उबालना है। उबालने के लिए हम 1 विसल लगा देते हैं जिससे कि ये जल्दी ही उबल जाएंगी तेज गैस पर। देखिए 1 विसल होने के बाद हमने गैस बंद कर दिया है। अभी इसको साइड में रख देंगे अच्छे से ठंडा होने के लिए। अब हमने लिया है छोटा पैन, गैस को हमने ऑन करना है और इसमें 1 चम्मच डाल देना है बेसन और इसको हमने अच्छे से भून लेना है। जब तक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती और जो ये बेसन है ना खिला खिला हो जाएगा जैसे ही भून जाता है। देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है और ये खिला खिला भी हो गया है, लेकिन बिना ऑयल बिना घी के हमने भूनना है। गैस को बंद कर देंगे, इसको साइड में रख लेते हैं। हमने कुकर में से निकाल कर इसको छन्नी में डाल दिया, इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है। देखिए बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई हैं, एक ही विसल में ये बहुत अच्छे से गल जाती हैं। अब हमने कढ़ाई ली है, गैस ऑन कर देंगे, उसमें डालेंगे स्मोक्ड मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल को तेज गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया है, मैं उसमें बनाऊंगी। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं और इसे गर्म कर लें। जैसे ही गर्म हो जाएगा 2 चुटकी तो की हींग जरूर डालें, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून अजवाइन भी डाल दें। 1 टीस्पून डाल रही हूँ काली वाली सरसों, अच्छे से चटकने दें। 1 प्याज को मैंने ना मिक्सी में पीस के लिया है, आप चाहे तो कद्दूकस करके भी प्याज को ले सकते हैं। देखिए प्याज जल्दी से हो जाए, अच्छे से हो जाए। मैं नमक डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। अच्छे से प्याज को भूनें। 2-3 मिनट तक हमने प्याज को भून लिया है। अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे भी थोड़ा सा चला दें। देखिए अब डालेंगे कुछ और मसाले। 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें लाल मिर्ची डाल रही हूँ, ये कम तीखी वाली है। और इसमें 1 टीस्पून डल जाएगा धनिया पाउडर और साथ में डाल देते हैं 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएंगे। कम तीखी वाली लाल मिर्ची डाली है क्योंकि मैं इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्ची और ये थोड़ी तीखी वाली है। देखिए मिर्ची जो है ना कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हो। इसके साथ ही मैंने लिए थे 2 छोटे साइज के टमाटर, उनको छोटा छोटा काट लिया है, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करते हुए अब हम गैस को स्लो करके इसको ढककर पकाएंगे, जो टमाटर है थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 मिनट तक इसको हमने ढककर पकाया है, चला दें। ये काफी हद तक जो टमाटर है ना वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। जो हमने टमाटर डाले हैं ना वो खट्टे वाले नहीं थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा अमचूर भी डाला है क्योंकि जो इसकी फलियाँ है ना उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसके स्वाद को बढ़ाता है। अब इसमें हमने सारी फलियाँ डाल देनी है, अच्छे से मिक्स करना है।
उसे मिक्स करते हुए हमने एक से दो मिनट तक भून लिया है। गैस को तेज रखा था। अब जो हमने बेसन भून के रखा है थोड़ा थोड़ा डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो थोड़ा बाकी है उसे भी डाल देते हैं, मिक्स कर दें। गैस को बिल्कुल स्लो करके इसे हम दो मिनट के लिए ढक देते हैं। देखिए दो मिनट ही हमने ढका है क्योंकि जो सारे मसालों का फ्लेवर है, बेसन का फ्लेवर है, फलियों में आ जाए। अब गैस को बंद करके डाल देंगे हरा धनिया। देखिए ऐसी आप फलियों को ना टिफिन में भी दे सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेंगी। जैसे आप परांठा, चपाती, पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे जरूर ट्राई करें। हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।